हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स, और फिर एक बार यू वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स फ्रॉम द कैंपस ऑफ ब्लू ग्रीन एक्सोटिका रिसोर्ट हियर इन बंधनगढ़। अभी ये फिर एक बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ये तीसरी बार मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं, मैं 24 घंटे में तीसरा व्लॉग ओपन कर रहा हूँ, दो शूट कर चुका हूँ। बिकॉज यहाँ पे प्लेसेस ही इतनी है देखने लायक। सबसे पहले हमने मंडनगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर किया, उसके बाद यहाँ पे वाटरफॉल ट्रैक एक्सप्लोर किया 3 किलोमीटर्स का। अभी आपने अगर वो दोनों देखे नहीं है तो इसके पीछे के व्लॉग्स आपको जाके देखने पड़ेंगे, बट वो तो आप एंजॉय कर ही सकते हो। पूरा दिन है ना आपके पास, पूरा टाइम है, बहुत टाइम है, फ्री टाइम निकाल के ही आए हो चैनल पे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं, और एक यहाँ पे कैंप साइट से हार्डली 3 किलोमीटर पे और एक स्पॉट है। मैंने पिछले व्लॉग के एंड में बताया था इसके बारे में कि यहाँ पे एक एंशियंट केव है, तो वो केव देखने के लिए हम अभी जा रहे हैं। द टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 2 o'clock इन द नून ऑन, फिर से डेट भूल गया, 22nd ऑफ मार्च 2021। और अभी यहाँ से अपनी गाड़ी यू टर्न मारने के लिए गई है, जैसे ही गाड़ी आती है हम यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ 3 किलोमीटर ही जाना है, और शायद थोड़ा सा नीचे उतर के जाना है, फिर से थोड़ा सा वॉक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज के साथ ही मिलते हैं। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. फिर से एक्सरसाइज की तैयारी हो चुकी है, गले में वजन डाल के थोड़ा ज्यादा कैलोरीज बर्न होने चाहिए ना, तो ये वजन गले में डालता हूं मैं। अभी अपने को यहाँ से चल के जाना है, गाड़ी रास्ते के उस पार पार्क कर दी है। दिस इज़ हार्डली 1 किलोमीटर फ्रॉम द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ ब्लू ग्रीन एक्सोटिका। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके भी यहाँ से नीचे उतर के जाना है, मतलब असली एक्सरसाइज जो है ना वापस आने में होने वाला है, अभी जाते वक्त नहीं। लुक एट दैट, बंदर है ठीक है, उसका छोटा सा बच्चा देखो, नहीं से बच्चे को लेके जा रहा ऊपर। लुक एट दैट क्यूटी। अरे तो फिर से नदी आ गई, फिर एक बार वाटरफॉल ट्रैक करना है क्या? हाँ छोटा सा, अच्छा समोरा सा है, नजदीक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है यार, छोटा सा एक्सरसाइज है ये। हम पहुंच गए नदी किनारे, नदी मतलब छोटा सा रिवलेट है लेकिन प्यारा है, और ये सामने वहाँ पे है, जो भी है अभी जाके देखेंगे एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है, अभी जाके ही पता चलेगा। विक्स की गोली खाते खाते बात कर रहा हूँ, तो अगर कुछ अजीब साउंड कर रहा हूँ तो सॉरी। इट वॉज हार्डली अ 5 मिनट्स वॉक रास्ते से, 20-25 या मैक्स 50 स्टेप्स नीचे उतरे नदी तक आए, वहाँ पे वो स्टेप्स है, और वहाँ से इतना ये पत्थरों में से चल के आए सिर्फ, एंड वी आर ऑलरेडी हियर। ये स्ट्रक्चर बाहर से अगर आप देखेंगे, अभी अभी ना ताईच्या अंगातलं आर्कियोलॉजी जागा झाला, इकडे आल्यावर कुठले तरी पेपर्स वेपर्स शोधून काढले, आतमध्ये काय आहे, इथे हे तिथे ते काय 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 सांगते, तो अभी वो सब मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, वो ताई बताने वाली है। उसने जो बताया उसमें से एक बात मुझे समझ में आई, दिस इज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा जो मंदिर दिख रहा है ना ये पूरा एक सिंगल स्टोन में कार्व किया हुआ है, बस उतना ही समझा मुझे, बाकी सब। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ सबको अंदर, और अंदर जाके आपको ताई के हवाले करता हूँ। हाय पोज मत बसती है, एक नंबर।
temple. This image is actually identified as Jain Tirthankara of Rishabhnath. Jain Tirthankara Rishabhnath, okay. करण्यासारखा पॉइंट आहे. नॉर्मली गावातील लोक खवणोबा म्हणून ओळखतात. खवणोबा. आणि साधारण कन्स्ट्रक्शन पिरियड 12 ते 14 शतकात. ओके. म्हणजे तरी ऑलमोस्ट 800-900 वर्षापासून आहे. श्राइन जे आहे हे लॅटराइट मध्ये आहे. सो दिस इज आणि ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड. हां, इफ यू सी दिस हियर कम इन तली आउटलेट ठेवलंय. तला इन केस पाणी किंवा तुम्ही काही वॉश केलं वगैरे तर ते निघून जायला पाहिजे. त्या काळामध्ये पण त्यांनी तेवढा विचार केलेला आहे. सो बेसिक हे काय बघ, डोर वगैरे साठी जे पण सगळे नॉब हे बनवलेले, म्हणजे हे ह्याच्यापेक्षा नक्की चांगल्या स्टेज मध्ये असणार पूर्वी. आणि ऍक्च्युअली इथे अजून जर एक्सप्लोर केलं ना तर आपल्याला आहेत असे रिमेन्स दिसतात. हा, आणि आणखी पण कदाचित असं काही सापडू शकतील, बिकॉज असं एकच जनरली नसते, ग्रुप्स मध्येच मिळतं. इथून असाच वरती गेला. अच्छा, एक छोटा अजून श्राइन आहे. हा, हे बघ, मोनोलिथिक श्राइन आहे, ते पण दिसते इथे समोर. हे ना समोरच, मतलब ये स्ट्रक्चर जो यहाँ के लोकल स्टोन में बना हुआ है, रेड लैटराइट स्टोन में, जांभा जला म्हणतो आपण. आणि मूर्ती ग्रीन बसाल्ट मधली आहे. मे बी बाहेरून आणून इथे बसवलेली असावी. दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. अभी सोचो हम है किधर, मंडनगढ़ में. मंडनगढ़ दापोली से है 40 किलोमीटर्स. इनफैक्ट आप अगर मुंबई से पुणे से आते हो तो वो 40 किलोमीटर्स गिनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप वाया मंडनगढ़ होके जाते हो. और उस रूट में, उस गाँव में ऐसी चीज़ें हैं. मैंने तो कॉलेज के 4 साल दापोली में गुजारे हैं. दापोली में 4 साल रहा हूँ मैं फुल टाइम. स्टिल कॉलेज पास होने के 10 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ आज पहली बार. वर्ल्ड इज़ टू बिग टू एक्सप्लोर इन वन लाइफ, ये बोला जाता है. बहुत सही बोला जाता है. थैंक्स टू दादा एंड ताई, उन्होंने बोला कि ये ज़रूर विज़िट कर ये प्लेस. तो यहाँ पे पहुँच गए. अभी यहाँ पे आने का रास्ता ताई भी भूल गई थी, अरविंद लेके आया हमको इधर. यही था जिसने लास्ट व्लॉग में, अगर आपने देखा होगा ना, वाटरफॉल के पास ऊपर से जंप किया था, वो यही था. अगर आपको वो जंप पसंद आया है तो कमेंट करके इसको अप्रिशिएट करो. अगर बहुत रिस्क लिया वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है तो गालियाँ भी इसको ही देना है. इन दैट केस कमेंट मत करो, मैं आपको नीचे इसका मोबाइल नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे कर लिया. तो बाय द वे, अभी यहाँ से निकल के वी आर गोइंग अप टू द ज़िपलाइन पॉइंट. अपना जो ज़िपलाइन है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एक्जोटिका में, ऑफकोर्स मतलब पूरा एक व्लॉग इसके पहले वाला मैंने ज़िपलाइन ये वर्ड मेंशन नहीं किया, तो बनता है ना. अभी ज़िपलाइन के पॉइंट पे जाने वाले हैं, लेकिन ज़िपलाइन के लिए नहीं, वहाँ से सनसेट देखने के लिए जाने वाले हैं. और वहाँ से देखेंगे और कुछ अगर इंटरेस्टिंग शॉट्स ले सकते हैं तो, क्योंकि शाम के टाइम में, लास्ट टाइम शाम को ही गए थे लेकिन उस टाइम पे बारिश के सीज़न में इतना क्लियर एटमोसफेयर नहीं था ना. तो आज जाके देखेंगे वैली व्यू कैसा मिलता है. एक्सरसाइज चालू हो चुका है, स्टेप्स चढ़ना. दिस क्लियरली लुक्स लाइक अ निग्लेक्टेड प्लेस. ये जो स्टेप्स बने हैं ना, ये भी नदी में जाने के लिए, यहाँ पे नीचे जो वेल है ना वहाँ जाने के लिए बने हैं, नॉट फॉर द श्राइन. एंड एज वी आर सेइंग दिस, पहुँच गए रास्ते पे. ये अपनी सवारी निकल पड़ी, अपनी सवारी अगले डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ ज़िपलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट है ना, एकदम हाइट पे. अभी वहाँ पे ट्रैक करके जा सकते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा है. मतलब जब पिछले बार में यहाँ आया था तब के ब्लॉग में, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो वो ब्लॉग देखो, इधर इन्फॉर्मेशन कार्ड में है तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि ट्रैक करके कैसे वहाँ जा सकते हैं. लेकिन वहाँ जाने के लिए एक व्हीकल रूट भी है, कच्चा रास्ता है, तो अभी हम वहाँ से जाने वाले. लेकिन वहाँ से अपनी ये प्यारी छोटी सी गाड़ी नहीं जा सकती ना, तो जो सुबह चलाई थी ना थार, वो लेके जाना है. तो अभी हम वापस जा रहे हैं रिसोर्ट पे, ये गाड़ी वहाँ पे रखेंगे और फिर थार लेके वापस ऊपर जाएंगे. और थार चलाने की एक्चुअली मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अपनी जीप तो है पुरानी है एकदम, ये वाली थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है बिकॉज पावर स्टेयरिंग एंड ऑल. तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं चलाने की, क्योंकि इन वेरी नियर फ्यूचर मुझे चलानी है गाड़ी, वो अच्छे खासे डिस्टेंस के लिए चलानी है. तो
अभी उसके बारे में अभी कुछ बताऊंगा नहीं मैं, क्यों चलानी है, कहाँ चलानी है, कहाँ लेके जानी है, तो वो सब आपको बाद में पता चलेगा। चलो इसी ब्लॉग के एंड में बता देता हूँ कि क्या सीन है। अभी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस सेशन, थार लेके निकलेंगे, जाएंगे ऊपर। अपनी सवारी सक्सेसफुली बदल चुकी है, एसी वीसी वाली सेलेरियो गायब, आधी खुली हुई थार अपने साथ, मैं भी वहाँ बैठा था, वहाँ से इधर शिफ्ट। और फिर एक बार कच्चे रास्ते पे प्रैक्टिस चालू। दो साल में प्रियंका ने जितना मेरा BTS शॉर्ट्स या ऐसे इंस्टा स्टोरी का मटेरियल नहीं निकाला हुआ था, उतना दो दिन में तय नहीं दिया है। अभी ये वीडियो देखने के बाद प्रियंका गालियाँ देने वाली, वो अलग बात है, पर ठीक है। एक हाथ से थार चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। एक तो आदत नहीं है ना, प्रैक्टिस चल रही है ना, प्रैक्टिस ऐसे मल्टीटास्किंग करते हुए नहीं करनी होती है। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, मिलता हूँ डायरेक्टली अपने ज़िपलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे। एज प्रॉमिस्ड, यहाँ से मैंने आपको सिर्फ सनसेट दिखाया और मेरी प्रैक्टिस दिखाई थोड़ी बहुत, जो मैं ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर बिना रास्ते के खेतों में। ज़िपलाइन नहीं दिखाया इस व्लॉग में, इस पूरे ट्रिप में, लेकिन देख लो ना फिर भी, ये अपना पॉइंट है, यहाँ से ज़िपलाइन स्टार्ट होती है, ये व्यू पॉइंट है। और यहाँ से स्टार्ट होके ज़िपलाइन जाती है कहाँ मालूम है, वो पीछे उधर उधर दिख रहा है ना, उधर नहीं दिख रहा है आपको, वहाँ पर सामने वाली पहाड़ी में, उधर जाके एंड होता है। लेकिन वो देखने के लिए उधर मत जाओ, इधर जाओ, इधर कार्ड्स में वो ज़िपलाइन वाले एक्सपीरियंस वाला ब्लॉग है, वो देखो। अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है, आपको पता है GoPro अंधेरा दुश्मनी है दोनों की। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फिर से बैक टू द बेस, और एक बार बोलने वाला हूँ बैक टू द बेस। वैसे मैंने आपको ये भी बताया नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ मैं, तो वो भी बताऊँगा नीचे जाके, थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद फिर टाटा गुड बाय बोलना है या क्या करना है देखते हैं। अभी ये पिछले 24 घंटे में वी आर बैक टू द बेस बोलने का चौथा टाइम है, बिकॉज फोर्थ टाइम कहीं ना कहीं जाके वापस आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये ऐसे हैमॉक में सोने का मौका मिला है, तो आई थॉट क्यों ना इस व्लॉग को यहीं पे सो के एंड किया जाए। बाय द वे, एज आई वाज सेइंग कि उसका प्रैक्टिस जो मैं थार का कर रहा था ना, तो वो इसलिए दैट जीप इज़ ड्यू फॉर मेंटेनेंस, तो यहाँ से पनवेल तक कल मुझे उसको ड्राइव करके लेके जाना है। तो कल सुबह हम यहाँ से 6 बजे निकलने वाले हैं, और निकल के पनवेल में जीप ड्रॉप करके फिर करजत अपने घर जाना है। दैट इज़ द प्लान फॉर टुमारो। और 200 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ड्राइव पहली बार थार में चलाने वाला हूँ, और पता नहीं वो कैसी हालत में है। अभी तक तो ठीक ठाक ही लगी है, जैसे चला रहा हूँ अच्छी चल रही है, लेकिन हाईवे पे कैसे परफॉर्म करेगी पता नहीं है। तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। बिसाइड्स दैट, अगर आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि अम्बेद का जो ब्रिज है वो बंद है, तो वहाँ पे टेम्परेरीली उन्होंने फेरी बोट सर्विस चालू किया है। तो अभी उस जीप को पूरा उसमें फेरी में लोड करके हमें क्रीक क्रॉस कराना है। तो वो सारा एक्सपीरियंस, सारे सिनेमैटिक वाइब्स, सारा नज़ारों का खेल अगले व्लॉग में आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। 9:30 ऑलरेडी, तो अभी थोड़ी देर में जाके सब गैजेट्स चार्जिंग के लिए लगाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि 6 बजे निकलना है सुबह, तो 5 से पहले ही उठना पड़ेगा। तो आपसे कल सुबह डायरेक्टली थोड़ा सा उजाला होने के बाद, मतलब 6:30 के आसपास जब हम निकलने के लिए रेडी होंगे, उसी टाइम पर मिलूँगा, लेकिन अगले व्लॉग में। अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में ये मंडनगढ़ से पनवेल तक की थार की राइड कैसे होती है आपको पता चली जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।